पाकिस्तानी बोट को उड़ाने के मामले में अपनी सफाई में कोस्ट गार्ड ने उस वीडियो को जारी किया जिसमें यह दिखाया गया कि नाव में मौजूद लोगों ने कोस्ट गार्ड की चेतावनी के बाद खुद को उड़ा लिया था। पेट्रोलियम मंत्रालय जासूसी केस का दायरा और बढ़ता जा रहा है। इस केस में 5 और गिरफ्तार हुए जिसमें कई बड़े नाम भी शामिल हैं। नीतीश कुमार 12 फरवरी को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी ने उन्हें सरकार बनाने का निमंत्रण दिया है। प्रधानमंत्री मोदी का विवाद चर्चित और विवादित सूट 4,31,00,000 में बिका सूट को धर्मानंद डायमंड्स के हितेश पटेल ने खरीदा है। लोकपाल के राणा संघ स्मृति समिति की तरफ से खानुआ पर विशाल समारोह का आयोजन किया गया। आरएसएस के सरसंचालक पुन भागवत इस कार्यक्रम में शिरकत की। आसाराम मामले में लगातार तीसरी सुनवाई में गवाह कोर्ट नहीं पहुंचा। दूसरी तरफ बीमार होने के कारण आसाराम भी की कोर्ट में पेशी नहीं हो पाई। जोधपुर योग शिविर में स्वामी रामदेव ने शिरकत की। जारों ने प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की और कहा कि मोदी सरकार जून तक बड़ा कदम उठाएगी। जमीन सौदा और आर्थिक लेनदेन के मामले में रॉबर्ट वाड्रा पर आयकर का शिकंजा कसता जा रहा। दिल्ली से आयकर विभाग की टीम बीकानेर पहुंची और वाड्रा की कंपनी के सौदे के दस्तावेजों की जांच की है। जयपुर मेट्रो किराया तय हो गया। 2 स्टेशन के बीच किराया 10 रुपए होगा जबकि 3 से 5 स्टेशन के बीच का किराया 15 रुपए होगा। प्रदेश के सभी ग्राम पंचायत में आदर्श स्कूल खोले जाएंगे। सभी स्कूलों में इंटरनेट होगा और खेल के मैदान की सुविधा भी दी जाएगी। भाजपा विधायक और बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कैलाश चौधरी डीडवाना पहुंचे। विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता उनका भव्य स्वागत किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार किसानों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। नवगठित पंचायत समिति पहाड़ी की नवनिर्वाचित प्रधान गीता देवी ने पदभार ग्रहण किया। विकास अधिकारी शिवराम मीना ने उनको पदभार ग्रहण कराया। नोर के सरपंच ने विधिवत रूप से अपना कार्यभार ग्रहण किया। इस मौके पर जल संसाधन मंत्री डॉक्टर रामप्रताप, स्थानीय विधायक अभिषेक मोटौरिया समेत कई नेता मौजूद थे। लक्ष्मणगढ़ नगर पालिका में बैठक आयोजन किया गया। बैठक में वार्ड 27 हटाई का अतिक्रमण के खिलाफ जमकर हंगामा हुआ। युवक के खिलाफ एपीओ करने की कार्रवाई के लिए जमकर हंगामा हुआ। राजधानी को स्लम फ्री बनाने के शहर के जनप्रतिनिधि निगम मुख्यालय में जुटे एक्शन प्लान को लेकर प्रेजेंटेशन दिया गया। कोटा 12 रोड पर खाद्य तेल फैक्ट्री में दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें तीन मजदूरों की मौत हुई है। ये मजदूर टैंक की सफाई कर रहे थे। कोटा यूआईटी अतिक्रमण निरोधी दस्ते ने कुनहारी के बालिका में अतिक्रमण हटाया। इस दौरान असामाजिक तत्वों ने दस्ते पर पथराव कर दिया जिसके बाद यूआईटी के दस्ते ने लोगों पर जमकर लाठी बरसाई। दौसा के रानीवास गांव में पानी की मटकी में जहर मिलाने की वारदात सामने आई। जहरीला पानी पीने से युवती की हालत खराब हो गई जिसका इलाज जोश की राजकीय अस्पताल में चल रहा है। दौसा के धनवाड़ गांव में एक नाबालिग बच्चे का अपहरण करने का मामला सामने आया। अपहरण की वारदात को 18 दिन बीत गए लेकिन पिछले अब तक बच्चे का कुछ भी सुराग नहीं लग पाया है। बिलाड़ा में साइबर क्राइम के जरिए 2.5 लाख रुपए उड़ाने का मामला सामने आया। एटीएम कार्ड का स्वैप बनाकर उनके पिन नंबर चोरी कराकर बैंक अलग अलग खातों से रुपये चोरी किए गए। त्यूरी में एसबीबीजे के ब्रांच से एक शख्स के बैग से 70,000 रुपए चोरी होगी। सीसीटीवी फुटेज में वारदात कैद हो गई। अभिनेता जैकी श्रॉफ के पुत्र टाइगर श्रॉफ सिल्वर स्क्रीन पर कैटरीना कैफ के साथ रोमांस करना चाहते हैं। पान सिंह तोमर और गैंग्स ऑफ वासेपुर सारी की फिल्मों से अपनी अदाकारी का लोहा मनवा चुके नवाजुद्दीन सिद्दीकी का कहना कि भारत में अल्प बजट फिल्मों का सही से प्रचार नहीं होता है। अनुष्का शर्मा पहली होम प्रोडक्शन फिल्म एनएसटेन का पहला गाना रिलीज किया गया। अनुष्का शर्मा की फिल्म एनएसटेन 6 मार्च को रिलीज होगी। साजिद नाडियाडवाला की आने वाली फिल्म हाउसफुल 3 में जैकलिन फर्नांडिस, एली अब्राम और एमी जैक्सन नजर आएंगे। अभिनेता साकिब सलीम इन दिनों अपनी बहन और अभिनेत्री हुमा कुरैशी की काफी तारीफ कर रहे हैं। हुमा के भाई साकिब सलीम अपनी बहन हुमा कुरैशी की फिल्म बदलापुर में उनके अभिनय की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं।